अब जोर से नहीं मारूंगा। अच्छा एक बात बता, तूने होमवर्क किया? हाँ, मेरा तो कब का कंप्लीट हो गया, तेरा नहीं हुआ है? नहीं, चल मैं घर जाती हूँ, मुझे होमवर्क भी कंप्लीट करना है वरना मम्मा बहुत डांटेंगी। रुकना मीनू, थोड़ी देर और खेलते हैं ना। ठीक है, बस थोड़ी देर। विजू चलो, बहुत रात हो गई है, घर चलो। मम्मी प्लीज थोड़ी देर और। नहीं विजू, बहुत टाइम हो गया है, फिर मत कहना पापा डांटेंगे। और मीनू तुम भी अपने घर जाओ। प्लीज मम्मी थोड़ी देर और प्लीज। अच्छा ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, चल छुपा छुपी खेलते हैं। क्या छुपा छुपी खेलते हैं? अभी तेरी मम्मी फिर से आ जाएगी तुझे 5 मिनट में बुला रहे। मगर हम लोग इधर थोड़ी खेलेंगे, वो वाला घर है ना जो कब से बंद पड़ा है, उधर खेलेंगे, वहाँ पर कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी मम्मी कहती है कि उस घर में किसी बुड्ढे की आत्मा है। कोई आत्मा नहीं कहती, ये तो सिर्फ बच्चों को डराने के तरीके है। क्यों तू डरती है? नहीं मैं नहीं डरती। ठीक है चल, कम ऑन फॉलो मी। चल इस घर में छुपते हैं, यहाँ मम्मी हमें कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगी। चल अरे क्यों 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 क्यों, मुझे डर लग रहा है, चलना घर चलते हैं। अरे मेरे होते हुए डर कैसा, मैं हूँ ना, कम ऑन फॉलो मी। देख विजू कितना सन्नाटा छाया हुआ है, चारों तरफ अंधेरा है, चलना घर चलते हैं। मदर मदर मदर, ये कैसी आवाज है? चल जाकर देखते हैं। अरे नहीं नहीं मुझे डर लगता है, मैं अंदर नहीं आऊंगी। ठीक है तू इधर खड़ी रहना, मैं जाकर देखता हूँ कौन लोग हैं। अब कोई और रास्ता नहीं बचा, मरना तो तुझे पड़ेगा। मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। तुझे माफ कर देंगे तो हमारा क्या होगा? मैं दोबारा ऐसे गलती कभी नहीं करूंगा। गलती करो या ना करो, मरना तो तुम्हें पड़ेगा। इसकी वास्ती चल देखते हैं। तो लगा रहे इधर तो छुपी छुपना पड़ेगा, चल इधर छुप जाते हैं। पर मैंने सुनी थी एक बच्चे की आवाज, इधर बाहर से सुनी होगी। अरे इस घर में लोग दिन में आने से डरते हैं, इतनी रात को आने की किस कीमत होगी। चलो कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो?
क्यों? अंकल, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। अंकल, हमें आपकी मदद चाहिए। क्यों? मम्मी डैडी ने पीटा है तुम लोगों को? नहीं अंकल। अंकल, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अंकल, एक अंकल ने दूसरे अंकल को गोली मार दी। गोली मार दी? हाँ अंकल, आप उसे पकड़ के सजा देना, छोड़ना मत। हाँ, कौन है वो लोग, तुम लोग जानते हो ने? नहीं, हम लोगों ने उनका चेहरा ठीक से नहीं देखा था, वहाँ पर बहुत अंधेरा था। और ये गोली किस जगह पे मारी है, कहाँ पे हुआ? हमारे कॉलोनी में, हमारे घर के पास। चलो दिखाओ मुझे कहाँ पर है। हाँ, बैठो गाड़ी। अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं हूँ ना साथ में। कहाँ थे बोलो? वो वाला कमरा है ना, उसी कमरे में मारा था उन्होंने उसे। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ यहाँ जाओ, इस तरफ आ जाओ, चिल्ला नहीं यहाँ से, ठीक है? अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे आवाज देना, घबराओ मत, मैं भी आता हूँ। तो कोई भी नहीं है। ये क्या चक्कर है? बेटा, तुम दोनों ने मिलकर कोई मजाक तो नहीं किया ना मेरे साथ? हाँ? नहीं नहीं अंकल, हम आपके साथ मजाक क्यों करेंगे? वाकई में हम लोगों ने देखा था। तो फिर कहाँ गए? या तो कोई भी नहीं? मगर हम लोगों ने देखा था, एक अंकल के पास गन थी और जिस आदमी को वो मारना चाहता था वो बहुत डरा हुआ था और वो अंकल बहुत जोर जोर से रो रहे थे। ठीक है, मान लिया तुम लोग सच बोल रहे हो, तुम लोगों ने देखा उसको, उस आदमी को मारते हुए, मगर यहाँ पे तो कोई नामो निशान है नहीं खून का। अंकल हमारा यकीन कीजिए, हमने गोली चलने की भी आवाज सुनी थी, बहुत जोर से ठा करके। ठीक है, मैं बाद में आके देखूंगा, काफी रात हो गई है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मैं छोड़ देता हूँ। पूरी कॉलोनी में तो देख लिया है, कहीं भी नहीं है, कहां से आ जाएगा? अच्छा होता मैं उसे अपने साथ ही ले आती, तेरी कहां होगा, किस हाल में होगा मेरा बच्चा? देखिए आप रोइए मत। रो क्यों नहीं है, विजू यही कहीं आसपास खेल रहा होगा। अरे तुम तो जानती हो ना कि विजू एक नंबर का शैतान है। और नहीं तो क्या, कोई नया मजाक सुझा होगा उसे, सोच रहा होगा घर वालों को थोड़ा परेशान कर लेता हूँ। हाँ, पूरी कॉलोनी को पता है कि वो एक नंबर का शैतान है, और इस बार वो अकेला नहीं है, मीनू भी है उसके साथ। हमित, हमित विजू का, विजू को लाए हो ना अपने साथ, बोलो विजू का है। उसे सब जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो वॉचमैन से पूछा, उसे जरूर पता होगा, उसने देखा होगा। वॉचमैन से भी पूछा लेकिन उसने भी उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। कमाल की बात है, विजू कॉलोनी में भी नहीं और किसी ने उसे बाहर जाते भी नहीं देखा, कहां गया होगा फिर? विजू, अच्छा आ गया, कहां था तू, कितना परेशान किया, कहां चला गया तेरा बोल? विजू कितने परेशान हो गए थे हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ के, कहां थे बेटा? घबराइए मत, मैं इंस्पेक्टर दया CID से हूं। ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने एक खून होते हुए देखा था तो ये मेरे पास आ गया मुझे बताने। खून? कहाँ पर? यही इसी कॉलोनी में, जो घर बन पड़ा है उसी में। मैं वहां पर गया था मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके साथ वो बच्ची भी थी मीनू, मैं उसे अभी अभी घर छोड़ के आ रहा हूँ। विजू ये क्या नया मजाक है, तुमने CID वालों को भी नहीं छोड़ा? क्या मतलब क्या आपका? सर मेरा बेटा थोड़ा शरारती है, इसने शायद आपके साथ कोई मजाक किया होगा। पापा ये मजाक नहीं है,
मैंने खुद देखा था, दो अंकल मिलकर एक अंकल को मार रहे थे। सुना आप लोगों ने, विजू बेटा हर वक्त मजाक नहीं करते, बैड मैनर्स। सर वो घर तो कब से खाली पड़ा है, कोई इसके आसपास भी नहीं जाता। मगर मैंने और मैंने खुद देखा था वहां पर कौन होते हुए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ विजू, इनफ बस। प्लीज आप इसे कुछ मत बोलिए। वैसे उस घर का मालिक कौन है? जी मालिक का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ एक बूढ़े आदमी रहते थे, अचानक कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। सर उस घर का कोई वारिस नहीं, इसीलिए हमारी कॉलोनी की कमेटी ने डिसाइड किया है कि उस घर को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। ये अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वैसे भी अगर घर बंद हो तो गुंडे मवालियों का अड्डा बन सकता है। जी बेटा मैं चलता हूँ, ओके। अपनी मम्मी को परेशान मत करना, और हमेशा अच्छे बच्चे की तरह अपने माँ बाप की बात मानते हैं, ठीक है? गुड नाइट। थैंक यू सर। ता घर काफी समय से बंद पड़ा है, अच्छे खासे घर को खंडहर बना के रखा हुआ है, गुंडे मवालियों के लिए छुपने का अड्डा बना के रखा हुआ है। रात को बच्चे यहाँ पे करने क्या आए होंगे? अभी तो बच्चे यहाँ पास ही के कॉलोनी के हैं, और तुम्हें तो आजकल के बच्चे मालूम है, जहाँ पे कोई नहीं जाता वहां पे जाके एडवेंचर करना होता है, उसी चक्कर में आ गए होंगे यहाँ पे। ये बात है। इन बच्चों ने खून होते हुए देखा है क्या? मैंने उन बच्चों के चेहरे पे डर देखा है, उससे तो ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे। कहीं खून दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर देखते हैं। मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं डैडी ने मना किया है बाहर जाने के लिए, घर में ही खेलो। मम्मी मैं डैडी के वापस आने से पहले ही आ जाऊंगा। विजू तुमको एक बार मना किया है ना, खेलना है तो घर में खेलो। बच्चे सच बोल रहे हैं, यहाँ खून लगा हुआ है पत्ते में। बच्चे सच बोल रहे हैं तो फिर लाश कहाँ गई? उसको वो लोग यहाँ से ले गए। एक मिनट एक मिनट, ये देखो ये खून का निशान, यहाँ से घसीट के ले गए वो लोग। कार के टायर के निशान, शायद उसने लाश को यहां से घसीट के यहां तक लाया और गाड़ी में डाल के ले गया। झटके से उठाई गई है गाड़ी, ये देखो बहुत जल्दी में होंगे वो लोग, क्योंकि देखो टायर के जलने का निशान है यहां पे। अभिजीत ये दो टायर मार्क्स के बीच में जो दूरी है काफी ज्यादा है, ये कोई बड़ी कार होगी, कोई एसयूवी, और ये निशान आगे खत्म है, बस यहीं तक है। अभिजीत उन बच्चों ने कहा था कि 7 और 10 बजे के बीच में उन्होंने खून होते हुए देखा है। 7 और 10 के बीच, तो उस टाइम वॉचमैन ने किसी बड़ी गाड़ी को यहाँ पे आते जाते तो देखा ही होगा ना। से पूछते हैं। मम्मी मुझे घर पर नहीं खेलना है, मुझे बाहर जाकर खेलना है। तुमको एक बार में समझ में नहीं आता, तुम्हें घर में खेलना है तो खेलो, वरना चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। क्या करता है? नमस्ते भाभी जी। अरे आइए भाई साहब। कैसे हैं? जी ठीक हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। तो भाई साहब नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए क्या? जी ऑफिस गए हैं। अच्छा अच्छा। पर वो आपका बेटा?
हाँ जी, वो तो यहीं खेल रहा था। अरे वहां क्यों छुपे हो विजू? चलो बाहर निकलो, रमेश अंकल आए, हेलो करो, बाहर निकलो, आओ, चलो अंकल को हेलो करो। अरे चलो हेलो करो, देखो रमेश अंकल है। हेलो बेटा। क्या बात है बेटा, मुंह क्यों छुपा रहे हो? हेलो करो, देखो रमेश अंकल है। अरे विजू, माफ कीजिएगा, ये आजकल के बच्चे बड़े ही शैतान हो गए। कोई बात नहीं, उम्र है इनकी, अब ये नहीं करेंगे शैतानी तो कौन करेगा। चलता हूँ जी। नमस्ते। हम कैसे मान लें कि तुम कल रात ड्यूटी पे नहीं थे? सर मैं कह रहा हूँ ना सर, मेरी ड्यूटी रात में नहीं थी, मैं तो सुबह के शिफ्ट में काम करता हूँ सर। तुम नहीं थे तो फिर कौन था ड्यूटी पे कल रात? मोहन ड्यूटी पे था सर। बुलाओ जरा उसे। सर वो तो अंदर सो रहा होगा। जगा उसको, खून का मामला है, पूछताछ करनी जरूरी है, समझे? ठीक है सर। हेलो, मोहन श्याम बोल रहा हूँ, सीआईडी वाले हैं पूछताछ करने के लिए। मैंने कुछ नहीं बोला, तुम जल्दी आओ। हाँ सर, वो आ रहा है। आने दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात भी ऐसे ही सो रहा हो और गाड़ी निकल गई यहाँ से? हैं? वही हुआ होगा, उसके नाक के नीचे से लाश निकल गई और उसे पता भी नहीं चला होगा। अंकल एकदम ऐसे कर रहे हैं जैसे कर रहा था उस घर में अपना पैर घिस रहे थे उस आदमी को मारने के बाद। रमेश अंकल कौन है? वो मुझे भी मार देंगे। बिजू, बिजू कहाँ छुपे हो तुम? बच्चे घर में कोई मेहमान आता है तो ऐसे बिहेव थोड़ी ना करते हैं। चलो जल्दी बाहर आओ, कहाँ छुपे हो? मम्मी। मम्मी? हाँ। चलो बाहर आओ। ये सब क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो? रमेश अंकल गया क्या? स्टॉप इट विजू, ये सब क्या है? अरे मम्मी मैं डर की वजह से अंदर छुपा था, मम्मी आप भी छुप जाओ। जस्ट स्टॉप इट विजू, यही सिखाया मैंने तुम्हें, तुम मेहमानों के साथ ऐसे बिहेव करोगे? अरे मम्मी रमेश अंकल ठीक आदमी नहीं है, पहले उनको इस घर से बाहर निकालो नहीं तो वो आपको भी मार देंगे मम्मी। इनफ, बहुत हो चुका है विजू, नाउ जस्ट स्टॉप इट। अरे मम्मी कल मैंने देखा था रमेश भैया एक आदमी को गोली मार रहे थे। इनफ, बहुत हो गया विजू, नाउ स्टॉप मेकिंग स्टोरी। अरे मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मम्मी आपकी कसम मैंने और मैंने कल खुद देखा था रमेश अंकल को खून करते हुए। मम्मी मेरे बात का यकीन करो, वो एक दूसरे आदमी को मार रहे थे। तुम सच कह रहे हो? कोई शैतानी तो नहीं कर रहे ना बच्चे? अरे मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए तो कल मैंने दया अंकल को बुला के लाया था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर तुम सच कह रहे हो ना तो उसे पुलिस से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? मम्मी मुझे बचा लेना, वो बहुत खतरनाक अंकल है। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या हुआ साहब, मुझे क्यों बुलाया? रात को ड्यूटी पे तो सोते ही हो, दिन में भी सोते हो क्या? नहीं नहीं साहब, 10 साल हो गए ये काम करते हुए, मैं ड्यूटी पे कभी नहीं सोता साहब। अच्छा, कल रात यहाँ पे कितनी गाड़ियां आई और कितनी बाहर गई? एक मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। देखिए सर, ये 5 गाड़ियां अंदर आई हैं और कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई साहब। कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई? जी नहीं। तुम उस वक्त कहीं इधर उधर तो नहीं गए थे? साहब मैं अगर कहीं जाता भी हूँ तो मैं गेट पे ताला लगा के जाता हूँ साहब। ये गाड़ियाँ किसकी थी? साहब सोसाइटी की होगी, बाहर के गाड़ियों को अंदर आना अलाउ नहीं है साहब। इसका मतलब लाश उसी गाड़ी में होगी और वो गाड़ी अभी भी कॉलोनी में ही है। तो खूनी सोसाइटी का कोई आदमी हो सकता है? या सोसाइटी में किन किन लोगों के पास बड़ी गाड़ी है? सर आप सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कर लीजिए सर। ठीक है, कहाँ है सेक्रेटरी? ये रहा उनका सेक्रेटरी साहब का। और ये गाड़ी किसकी है?
गाड़ी भी उन्हीं की है सर। बड़ी गाड़ी है। घर पे ही है ना या कहीं बाहर गए? घर पे ही होंगे सब, क्योंकि अगर बाहर गए होते तो शाम बता देता, वो ड्यूटी पे ही है। तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? मैं ये तो पता नहीं साहब। अच्छा, वो अकेले रहते हैं यहाँ पे या कोई सगे वाले भी हैं उनके? हाँ साहब, उनकी बीवी रहती है, मगर वो अभी यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गई है। कार यहाँ खड़ी है, इसका मतलब कहीं बाहर से नहीं गए होंगे। तो चल के देखते। हो सकता है सर कहीं यहाँ कॉलोनी में गए होंगे आसपास, सब जानते हैं वो क्या होता रहता है यहाँ पे। से बाद में देखते हैं, पहले इसका घर चेक करते हैं। चलो साहब। साहब दरवाजा तोड़ोगे? हाँ, क्यों? साहब साहब मेरी नौकरी चली जाएगी। चुप रहो, कुछ नहीं होगा नौकरी को तुम्हारे। रेडी, सबको लेके यहाँ पे आ जाओ। अच्छी तरीके से देखो पूरे घर को। या तो कुछ भी नहीं, लाश होनी तो यही चाहिए। देखते हैं। सर हटाओ इसे। ये देखो, हटाओ इसे जरा। वॉचमैन, ये है तुम्हारे सेक्रेटरी साहब? नहीं साहब, ये सेक्रेटरी नहीं है, कोई और आदमी है। हाँ? तो फिर कौन है ये? पता नहीं साहब कौन है। अरे जरा ध्यान से देखो। हाँ, शायद ये आदमी इस कॉलोनी में रहता होगा। देखो। नहीं साहब, ये इस कॉलोनी में नहीं रहता है। तो पत्रकार है, ये देखो प्रेस का कार्ड। जितेंद्र, सीनियर जर्नलिस्ट। सीनियर जर्नलिस्ट? इस सेक्रेटरी की इस पत्रकार से क्या दुश्मनी हो सकती है? इस सेक्रेटरी को ढूंढते हैं, वही बताएगा।
विजू ने खून होते हुए देखा है, वो पहचान सकता है जिसका खून होते हुए उसने देखा था वो पत्रकार जतिन है या कोई और? अभिजीत, ये विजू बच्चा है अभिजीत, बच्चे को लाश दिखाना ठीक होगा क्या? हाँ ये बात तो है, पर क्या करें, कौन पहचानेगा खून किसका हुआ है? अब बेल दबाओ सर। मुहूर्त निकालोगे क्या? दबाओ। सर आज संडे है, विजू भी घर पे ही होगा। दरवाजा तो कोई खोल ही नहीं रहा है। ये लोग कहीं बाहर घूमने तो नहीं गए? आसपास वालों से पता करते हैं, शायद किसी ने देखा हो। अरे सुनो भाई साहब। हाँ बोलिए भाई। आप यही रहते हैं? हाँ यही रहता हूँ, सामने ही। तब तो ठीक है। ये विजू और उसके घर वाले कहीं बाहर गए हैं, कुछ मालूम है आपको? बाहर जाते हुए देखा उन्हें? कहाँ गए हैं मतलब? अभी तो यही थे, रमेश आया था मिलने। रमेश? सेक्रेटरी रमेश? हाँ साहब वही, मैंने खुद देखा था। रमेश अभी भी अंदर है दया, मामला गड़बड़ है। विजू, विजू तू है घर में? विजू क्या बात है सर? हमारे सेक्रेटरी रमेश साहब कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। एक खून कर चुका है वो। खून सर? हाँ कुछ हो ना गया होगा, इन लोगों की जान खतरे में, ढूंढो उसे। पीछे गया अंदर आना। इधर आओ। जी साहब। इस आदमी को पहचानते हो आप? ये हमारे सेक्रेटरी रमेश है। ये रमेश है? जी साहब। इसको ढूंढ रहे थे, यही मरा पड़ा हुआ है। दूसरों का खून करने वाला खुद मरा पड़ा है सर, ये तो उल्टा ही हो गया। सीधे सिर पे गोली मारी है, पॉइंट ब्लैंक। गन पाउडर भी लगा हुआ है, जगह पे ही मर गया होगा ये तो। गन तो यही है। बारूद की बू तो आ रही है, गोली चली है इस गन में से, लेकिन विजू और उसकी मम्मी कहाँ है? सेक्रेटरी की लाश तो यहीं पड़ी है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी कोई और ही हो, रमेश को मार के विजू और उसके माँ बाप को जबरदस्ती ले गया? दरवाजा क्यों खुला यार? विजू, दामिनी, विजू कहाँ गए ये सब लोग? शायद ऊपर होंगे, देखते हैं। चलो ये सेक्रेटरी की लाश मेरे घर में? सर इन्हें किसने मारा? वही तो हम लोग भी पता लगा रहे हैं। लेकिन सर मेरी बीवी और मेरा बच्चा कहाँ है? देखिए आपके घर में सेक्रेटरी की लाश पड़ी है, आपके बीवी बच्चे गायब है, आप लोगों को कुछ अंदाजा यहाँ क्या हुआ होगा? सर इसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते, मैं बाहर गया हुआ था, मेरे भाई साहब अभी घर पे हैं और मेरी पत्नी रश्मि सर वो भी गायब है सर। देखिए जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो कोई जान पहचान का ही आदमी होगा। जान पहचान का आदमी सर? हाँ, क्योंकि अगर कोई अनजान आदमी होता तो वो लोग चीखते चिल्लाते, लोगों को पता चलता ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर सर इस रमेश को मारा किसने होगा? अब वो तो ये गनी बताएगी। Thank you.
अभिजीत, बॉस ये दोनों खून इसी गन से हुए। इस रमेश को जो गोली लगी है वो भी इसी गन से चली है और जितेंद्र को जो गोली लगी है वो भी इसी गन से चली। गन पे उंगलियों के निशान? हाँ, है। किसके? रमेश के। रमेश के? सिर्फ रमेश के? जी, सिर्फ रमेश के। मतलब दोनों गोलियां इस रमेश ने चलाई? जी। इसका मतलब ये हुआ कि रमेश ने पहले जितेंद्र को मारा और फिर उसने अपने आप को गोली मार ली। फिंगरप्रिंट्स देखकर कुछ ऐसा ही लगता है दया। रमेश ने जितेंद्र को गोली मारी होगी ये तो समझ में आ रहा है, पर रमेश ने अपने आप को गोली क्यों मारी? क्या है अभिजीत कि खूनी तो अपना काम करके निकल लेता है और हम ये सोचते रहते हैं कि खूनी ने शायद ऐसा किया होगा या वैसा किया होगा या। अरे नहीं डॉक्टर साहब, कोई ना कोई कारण तो होगा ना, अपने आप को गोली क्यों मारी उसने? अब यार गोली पर थोड़ी लिखा है क्या कारण है। हाँ ठीक है अभिजीत, एक और बात ऐसी है जिससे आपको कुछ मदद मिल सके। बड़ी अच्छी बात है, भागते चोर की लंगोटी से ही। लंगोटी नहीं है तो क्या लंगोटा है? अरे क्या बात है यार रेडी, हाँ तुम जब भी बोलते हो ना तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते हैं। जिस उंगली से ट्रिगर दबाई जाती है ये देखिए, उंगली पर अंदर की तरफ ठीक जोड़ पर एक कटे का निशान है। लेकिन ये उंगली पे कटे हुए का निशान आया कहाँ से? क्योंकि ट्रिगर दबाने से इस तरह का निशान नहीं आता। आ सकता है, उंगली कट भी सकती है अगर 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 इस उंगली के ऊपर किसी दूसरी उंगली को जबरदस्ती रख दिया जाए और फिर ट्रिगर दबाया जाए। जरा ये गन अपनी कनपट्टी पे लगाओ। लगा। डॉक्टर साहब। हाँ। गोली वोली तो नहीं है ना इसमें? रेडी अभी तक तो नहीं थी, अब आ गई है तो पता नहीं। सर अब विवेक को बोलो। गन लगाओ। अरे लगा। मैंने क्या बिगाड़ा है? गन लगा। मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा। छबरा तो ऐसा हुआ होगा जी, मतलब खूनी ने पहले रमेश को मारा और फिर विजू और इसकी मां को किडनैप करके लेकर गया। तो मुझे शक है कि जिस आदमी के साथ मिलकर रमेश ने जितेंद्र को मारा है उसी ने रमेश को मारा होगा। अभिजीत, विजू और उसकी मां की जान को खतरा हो सकता है, अगर हमने जल्दी नहीं ढूंढा इस खूनी को तो दोनों मारे जाएंगे। सर हो सकता है उस आदमी के बारे में जितेंद्र के घर वालों से कुछ पता चल जाए। माय गॉड, क्या ये? लगता है हम लोग गलत पते पे आ गए। लेकिन फ्रेडी, वो जर्नलिस्ट के विजिटिंग कार्ड पे तो यही का एड्रेस दिया हुआ था। एड्रेस तो यही का था सर, लेकिन घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई तूफान आया था या फिर युद्ध हुआ है। हाँ सर, और घर के बाहर तो कोई ताला भी नहीं लगा था। और यहाँ पे आग लगी और बाहर किसी को पता भी नहीं चला, इसका मतलब यह है कि यह आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है, यानी कि कंट्रोल्ड फायर। सर इतने सारे जले हुए पेपर्स देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि इन पेपर्स की वजह से ही जितेंद्र का खून हुआ है। आकाश, कल तुम एक काम करो, आस पड़ोस में जाके पूछो कि शायद उन्होंने कुछ देखा हो या सुना हो। देखो yes. हम लोग एक पेपर छान मारते हैं। जितेंद्र की पड़ोसन है नताशा। अरे ये क्या हो गया यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आग लगी, आपने कुछ देखा है? उस दिन मैंने देखा था, इस घर की खिड़की में से धुआं निकल रहा था, मुझे लगा पता नहीं जितेंद्र क्या कर रहा है।
तो आपने यहाँ पे आके जितेंद्र से पूछा नहीं? नहीं। और कुछ देखा आपने? उस दिन मैंने इस घर से दूर एक सफेद गाड़ी में एक औरत को बैठे हुए देखा था। सफेद गाड़ी? अगर वो औरत आपके सामने आएगी तो आप उसे पहचान लेंगी? जी हाँ। हो सकता है उसी औरत ने इस घर में आग लगाई, पर क्यों? क्यों? देखो भाई साहब, अब तो हम ये मैटर छाप के ही रहेंगे। मैटर रोक लो। भाई साहब, मैडम एक मिनट। क्या है? कौन है ये लोग? सर, ये लोग आपसे मिलने आए। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, किसी को भी अंदर लेकर के घुसाते हो? अरे पूछ तो लिया करो कि मैं मिलना चाहता हूँ या नहीं मिलना चाहता हूँ। देखिए, आप अगर हमसे नहीं भी मिलना चाहते ना तो हम मिलने आते। कौन है आप लोग? हम लोग CID से। क्या बात है भाई साहब, आप लोगों को कोई स्टोरी छपवानी है? ये बताइए कि जितेंद्र कहाँ है? अरे मैं तो उसे खुद ढूंढ ढूंढ करके पागल हो गया। आपको बताए तो आप ही बता दीजिए। हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, किसी ने खून कर दिया है उसका। खून कर दिया? इतने भले आदमी का खून किसने किया? मुझे पता था उसके साथ एक नए दिन ये होना ही था। लेकिन क्यों? वो एक ऐसी खबर छापने वाला था जिससे उसके जान को खतरा था। कैसी खबर? एक बिल्डर और सोसाइटी के सेक्रेटरी के बीच में जमीन को लेकर एक डील होने वाली थी। जमीन की डील? जी हाँ, सोसाइटी का सेक्रेटरी वहां के लोगों से जोर जबरदस्ती करके फ्लैट खाली करवा रहा था ताकि वो बिल्डर उस जमीन पर मॉल खड़ा कर सके। तो इसका मतलब वो लोगों को वहां से बेघर करना चाहता था। जी हाँ, जितेंद्र ने उस डील के कुछ फोटोग्राफ भी मुझे दिए थे। जितेंद्र ने किसी औरत के बारे में कोई जिक्र किया दो चार दिनों में? नहीं तो। अच्छा, वो फोटोज मिल सकती हैं हमें? हाँ मिल सकती है। थैंक्स। ये फोटो देखो, सेक्रेटरी रमेश पैसे ले रहा है, सोसाइटी के देखभाल के लिए रखा गया था, पैसे खा रहा है। ये सारा चक्कर इन फोटोग्राफ्स की वजह से ही हुआ है। ये पैसे देने वाला कोई बिल्डर लगता है। शायद जितेंद्र का खून इन फोटोग्राफ्स की वजह से ही हुआ होगा। ये देखो, ये फोटो देखो, इसमें ये आदमी है और ये औरत। ये औरत की शक्ल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आदमी तो वही है जो ये पैसे दे रहा है। और सर ये गाड़ी, दोनों फोटोज में है सर। ये देखिए, इस गाड़ी के नंबर से हम पता लगा सकते हैं ये गाड़ी है किसकी। करेक्ट। विवेक जरा स्कैन करो, नंबर पे जूम करो, देखो क्या नंबर है। नंबर है 21XQWO950। 950। सचिन, RTO से पता करो ये कार किसके नाम पे है। दोनों फोटो में ये गाड़ी है, दोनों फोटो में ये आदमी है, मगर ये औरत कौन है? सर पता चल गया, ये गाड़ी किसी डॉक्टर रश्मि के नाम की और उसका एड्रेस है सी व्यू सोसाइटी, पानीपुत्र रोड। सीवी सोसाइटी, तो विजू भी तो वहीं रहता है ना? हाँ? और रश्मि, रश्मि उसकी आंटी का नाम है। कहीं वही तो नहीं है? हो सकता है रश्मि ने रमेश का खून किया हो और विजू और उसकी मम्मी को किडनैप करके ले गई है। मगर कहाँ ले गई होगी? हो सकता है इस जगह पे ले गया जहाँ पे फोटो खींची गई। फोटो में तो जगह काफी सुनसान लगती है बस। ये जगह जो है कुछ देखी हुई लग रही है मुझे। वहीं चल के देखते हैं, शायद तीर निशाने पे लग जाए। सर, मेरी पत्नी और बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी ढूंढने की उनको। आप यहीं पे रुकिए, आगे कुछ भी हो सकता है। Thank you.
किसने बनी हुई है? हमें तो लग रहा था ये बनी हुई है। कोई आ रहा है? जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। गिरीश तुम ये सब तुमने किया है? ए, चल दूरा दूरा चल वरना। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आइंदा से माफ कभी नहीं करूंगा जिंदगी में, कभी नहीं। दया ये क्या पिला दिया तुमने इसे? ये तो सुधर गया, पाप पुण्य की बातें कर रहा है। अब थोड़ा पुण्य और भी कर दो और ये बताओ कि क्यों किया ये सब? सर, मैंने और सेक्रेटरी रमेश ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि हम दोनों जोर जबरदस्ती करके कॉलोनी के एक एक घर को खाली कर देंगे और फिर किसी बिल्डर को उसे अच्छे दामों में बेच देंगे। तो ये प्लान, लोगों को बेघर करने का प्लान, हाँ? फिर क्या हुआ? फिर सर, न जाने उस पत्रकार को कहां से हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। जीतेन को? जी सर, वो हमारे सारे काले कारना में जान चुका था। उसके पास हमारी तस्वीरें भी थी जिसमें हम बिल्डर से पैसा ले रहे थे। और इसीलिए तुमने पत्रकार को मार दिया, मगर अफसोस विजू ने तुम्हें उसका खून करते हुए देख लिया। जी सर। वो सोसाइटी के सेक्रेटरी तुम्हारे पार्टनर रमेश, उसको क्यों मारा? सर, जब हमने जितेन का खून किया तब हमें शक हो गया था कि किसी बच्चे ने हमें देख लिया है, लेकिन वो बच्चा कौन था हम नहीं जानते थे। लेकिन सर, उस दिन जब मैं घर आया, मैंने विजू को आपके साथ देखा और तभी पता चला कि वो बच्चा जिसने तुम्हें खून करते हुए देख लिया था वो विजू है। जी सर, लेकिन जब वो सेक्रेटरी को ये बात पता चली तो उसने चुप चुप खड़े रहो, जरा भी आवाज निकाली तो चार से मारता हूं दोनों को, जैसा उस रिपोर्टर को मारा था। हम तो भरोसा नहीं समझते थे, तुम दोनों जिंदा रहोगे ना मुझे पकड़े जाने का डर रहेगा। बंदूक खींचे, बंदूक खींचे, रेस तो भेजने मत आ मुझे, आज रोज रोज के डर को जड़ से खत्म कर देने दे। पागल हो गया तू? मैं इन्हें संभाल लूंगा। गिरीश तू हट जा। अरे ये तेरा विजू हमें फांसी के फंदे पे पहुंचा के रहेगा। उस दिन इसी ने हमें जीतन को मारते हुए देखा था। हट जा तू। पागल मत कर, मैं थोड़ा ना कुछ कर लूंगा। चुप कर तू। बंदूक किसी का है? पागल है, चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। गिरीश, तुम इससे मिले नहीं? चुप, मुंह बंद रखो अपना, वरना जैसे कुत्ते को मारा ना वैसे तुम्हें भी मार दूंगा। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होता तब तक कोई किसी ने कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं। तुमने तो खुद किया, मैं सीआईडी को बताऊंगी। बेवकूफ,
सीआईडी को तब बताएगी जब तू यहाँ पर आएगा। अब चुप चुप और चल मेरे साथ। और जब हमने इसे सीआईडी को बताने के लिए कहा तो ये जबरदस्ती किडनैप करके हमें यहाँ ले आया। तुम्हें अपना पति कहने में मुझे शर्म आ रही। अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शा तुमने। मुझे माफ कर दो, आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको मारना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि आप लोग खामोश रहे ताकि ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। दो दो खून किए तुमने, अब जेल में बैठ के बंगले बेचते रहना फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.